हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रही हूँ एक सैलून पे जिसका नाम है एसपी ब्यूटी सैलून, और मुझे लेके जा रहा है मेरा भाई। गर्मी में ना ये मुझे बहुत परेशान करती है। हाल देखे क्या हो रहा है गर्मी का ना मेरा। और मैं टेंट करवा ली है, मैंने टेंट करवा ली भाई का नया लुक आ गया। अच्छा, हम क्यों जा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। कुछ बीटीएस आज दिखाने वाली हूँ आपको, तो चलते हैं। सफर शुरू हो चुका है, हम जा रहे हैं। तो सैलून जो है वो आ चुका है, गेस्ट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बराबर में। कुछ गाइस, हम आ चुके हैं सैलून में और हम बुलाने लगे इनकी ओनर को जिनका नाम है सोनिया परवेज। सो प्लीज वेलकम सोनिया परवेज, कैसी हैं आप? हाय, हाउ आर यू? आई एम थैंक यू। व्हाट अबाउट यू? एसओपीस को हमने बिल्कुल फॉलो नहीं किया एंड इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी जो है एक्सटेंसो दे चुकी हैं, एक बहुत अच्छा फेशियल दे चुकी हैं, इसलिए हमने सोचा कि इनके सैलून में आया जाए। सोनिया, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? माशाल्लाह 4 साल का एक्सपीरियंस है। सोनिया, कहाँ से सीखा और ये जर्नी आपकी कैसी रही? काफ़ी स्ट्रगलिंग थी। अच्छी आनी चाहिए मैं। काफ़ी स्ट्रगलिंग थी स्टार्टिंग में, हमारी इच्छा से था। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी 14-15 साल हो गए बस सीखते। सोनिया, आपने मुझे बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले आपने मेरे बालों को इतना खूबसूरत सा बना दिया। मैंने सोनिया मुझे सिर्फ 2-4 टिप्स आप जल्दी जल्दी से जो है स्किन की दे दें कि मैं आपके स्किन डिपार्टमेंट से जाऊँ और हेयर डिपार्टमेंट में जाऊँ, क्योंकि मुझसे लोग जो है मोस्टली मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने सैलून कहाँ से करवाई। जैसे मैंने आपको बोला कि सोनिया कुछ डिस्काउंट दे दे मेरे कोड के ऊपर जो आपने हमें दिया भी है, तो सोनिया मुझे बताएं वाली स्किन को क्या ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करना चाहिए इस गर्म मौसम में? कितना ज़्यादा हो सकता है पानी पिए, फेस वॉश करें, ठंडे पानी से फेस वॉश करें। पीएच लेवल बराबर रखने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो कॉम्बाइन स्किन हो। अगर आपका पीएच लेवल बराबर नहीं होगा तो उस सूरत में आपकी हेल्दी स्किन कभी नहीं होगी। आप मेरी स्किन का राज पूछते तो राज ही है कि मैं पानी कोई 16-17 ग्लास डेली पीती हूँ। मेरे पास एक लीटर वाली बॉटल होती है जो पूरी रात में 3 बॉटल से पी जाती हूँ। आप जो है क्या रिकमेंड करेंगी हमारे प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत सी जो चबी गर्ल्स हैं जो मुझे फॉलो करती हैं और जो चबी नहीं भी हो मुझे फॉलो करती हैं, उनकी स्किन के लिए कि अगर उनकी स्किन ड्राई है तो वो क्या यूज़ करें और उनकी स्किन ऑयली है तो वो क्या यूज़ करें? अच्छा, फेस वॉश अच्छा होना चाहिए आपका। फेस वॉश लाजमी आपका अच्छा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन, ना कि आपकी ड्राई स्किन है आप ऑयली इस्तेमाल कर रहे हो, ऑयली स्किन है तो ड्राई कर लो, वो कुछ और ही मिक्सचर हो जाए। अच्छा, सोनिया ने मुझे एक चीज़ बताई कि होम रेमेडीज़ जो है वो आज के जो वेदर चल रहा है वो हर किसी के ऊपर सूट नहीं करती, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा कि हर रेमेडी उठा के जो है वो मुंह पे ना लगा लें। बिल्कुल ऐसे ही सोनिया, बिल्कुल ऐसे ही, जिससे जिनकी एक्नी नहीं होती वो एक्नी होने शुरू हो जाती है, ऑयली नहीं होती वो ऑयली हो जाती है, काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो स्किन काफ़ी काइंड इसी वजह से परेशान आते हैं ये जनरल देखें। सबसे ज़्यादा स्किन को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि आपका पीएच लेवल बराबर हो, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, आप जो है फेस वॉश अच्छा इस्तेमाल करें, हर स्किन को फेस वॉश भी सूट नहीं करता। अब हम जा रहे हैं हेयर डिपार्टमेंट में जहाँ पर मेरे बालों को ट्रीटमेंट दी गई थी, तो ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर सोनिया ने मुझे एक्सटेंसो दिया। अच्छा सोनिया, मुझे बताया आपको एक्सटेंसो करते हुए चाहे मेरे बालों या किसी के बालों कोई प्रॉब्लम फेस आई? कभी कभी बाल जो है बाउंस मार जाता है, ठीक है, कभी कभार जो है वो बाल जल जाता है ज़्यादा हाई हीट से, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम कभी आपको फेस हुई है? हो जाती है क्योंकि क्लाइंट हमें सही तरह गाइड नहीं करते मोस्टली लोग। मैंने इनको सही कहा कि अगर मेरे बाल बहुत ट्रीटेड हैं, नहीं ट्रीटेड वो अलग बात है, मोस्टली लोगों की ना
शाइन आ गई, कलर आ गया, ऐसा नहीं होता। तो आप वही जैसे फेस का मसला होता है कि अकॉर्डिंग टू योर फेस कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके फेस पे सूट होनी चाहिए। इसी तरह बालों का भी सेम यही है कि आप ये नहीं कि उठाए किसी ने मेहंदी लगाई हम भी लगा लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। मेहंदी का दौर मुझे ऐसा लगता है खत्म हो चुका है, ट्रेंड नहीं रहा है। केमिकल बहुत हार्श केमिकल लगता है, बेशक वो बहुत अच्छा कंडीशनर है मेहंदी, बट अगर आपको मेहंदी लगानी है तो आप एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग केराटीन या एक खूबसूरत से हेयर ड्राइव ना जाए तो अच्छा है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सोनिया मुझे बताया आपको मेरे बालों में खूबसूरत से रिबॉन्डिंग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बालों पे काम करके इतना मजा नहीं आता जितना आपके साथ रहकर मजा आता है। थैंक यू सो मच सोनिया। सोनिया मुझे सर एक या दो टिप जल्दी जल्दी से मेरी प्यारी प्यारी सी जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए देते हैं कि वो बालों को किस तरह एक हेल्दी और स्मूथ रख सकते हैं, चाहे वो कोई आप अच्छा शैम्पू या कोई हब पम्प रिकमेंड करती हैं किसी ब्रांड का या कोई होम रेमेडी वगैरह। होम रेमेडी आपको पता कुछ भी हो जाए बात कर रहे हैं आजकल कॉन्डी शैम्पू लगाए, शैम्पू आप अच्छा यूज़ करें, कंडीशनर अच्छा यूज़ करें, नहीं है तो भी जो है ना आप इसके लिए आप शैम्पू यूज करो, कंडीशनर यूज करो, होम रेमेडी करना अगर मुश्किल हो जाता है तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे शैम्पू। आज हम लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है क्योंकि इनको पता था मैं ब्लैक पहन के आने वाली हूँ, रेड पहन के आने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ट्रेनिंग भी की हुई है, एक्चुअली कह सकते हैं कि बिल्कुल जल्द से रहा हो गई है। तो सोनिया ने मुझे अपने सलून में बुलाया, इन्होंने मुझे बहुत प्यारी प्यारी सर्विसेज दी थी और इन्होंने मुझे कहा था कि मैं सलून पर दोबारा आइएगा, तो जिस अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं आ सकी, तो जैसे मुझे मौका मिला मैं आ जाई। आप लोगों ने देखे तो मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया, बट ये जो है मुझे हर महीने बुला के ना स्पॉन्सर्ड करती है, आइए रीना खूबसूरत बन गई यहाँ से जाइए। बुलाना मेरा पर्पस होता है कि किसी बहाने से भी मेरे पास आ जाए, ये बहुत अच्छा। गाइस एक मजेदार सी चीज मैं बताना भूल गई, जिसके लिए बंदी मुझे डेली कॉल्स करती है और कहती है आओ अलीना तुम्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये है हेल्थ सेक्शन जिसके लिए ये मुझे डेली बुलाती हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और मैं अभी शेड्यूल के साथ नहीं आ पा रही होती, बट शी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उसको मैंने आज तक जाना जो मुझे पीछे लगी थी आओ आओ आओ, और अब मैं इनका हेल्थ डिपार्टमेंट आपको दिखाने लगी हूँ जहाँ पे ये मुझे भगाना चाहती है। कम कम कम। चुके हैं और मुझे समझ में नहीं आया डोंगी को मुझे लेके जाना है क्या काम था, मेरा क्या काम था आज के व्लॉग के अंदर, आज इधर आ जाइए इधर आ जाइए, भूल गए हैं आपने क्या क्या बोलने, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट, और होपफुली आज की मेरी तफरी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज अलीना फातिमा साइनिंग आउट, लव यू।